स्टेट गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि राज्य सरकार, जो महाविकास आघाड़ी सरकार का ये जो बजट है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन है, और दूसरी चीज है कि राज्य सरकार किस तरह से प्लानिंग कर रही है आने वाले समय में आर्थिक राजधानी को स्थिर रखने के लिए, क्या आप प्रोविजन चाहते हैं राज्य सरकार से, उद्योग सरकार से? देखिए, ये जो राज्य सरकार है इसने पिछले कुछ दिनों में खुद ही एक डिसीजंस जो लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री कैबिनेट के माध्यम से कि स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन किया, पूरे हिंदुस्तान में हाउसिंग सेल्स ठप हो गया था, मगर हमारे महाराष्ट्र में हाउसिंग सेल्स बढ़ा, स्टैम्प ड्यूटी की कलेक्शन बढ़ी और हम लोग उतना ही स्टैम्प ड्यूटी जमा कर पाए जितना हम लोग प्री लॉकडाउन पीरियड में रेगुलर पीरियड में। तो आप समझ लीजिए 50% डिस्काउंट देने के बावजूद हमारा ये रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। तो दूसरी बात, जो प्रीमियम्स में रिडक्शन किया पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने, उसमें आज आप समझ लीजिए कि इवन बीएमसी का भी अगर आप देखते हैं तो 3,000 करोड़ रुपया बीएमसी का रेवेन्यू रहता था प्रीमियम्स के प्रति, और आज 50% रिडक्शन देने के बाद 16,000 करोड़ रुपया बीएमसी का रेवेन्यू हुआ है। इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में रेवेन्यू का इजाफा हुआ है। तो इससे एक बात साबित होता है कि आप जो टैक्सेशन है उसको एक अच्छे स्तर पे रखेंगे तो लोग उसको टैक्स को भरने में बहुत उत्साहित रहते हैं और वो आगे आपको बढ़ाते हैं, स्वयं मोटिवेटेड होकर। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स रख देते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह बहुत ज्यादा आपने कर दिया, तो लोग अपना जो है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे या किसी और कोई और तरीके से हमारा ओनरशिप आपसे ले लेते हैं, मगर स्टैम्पिंग पे नहीं जाते। आज स्टेट गवर्नमेंट का एक सोच है कि अप्रैल के बाद 1% स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने का एक इरादा है। हम डेवलपर्स के तरफ से गुजारिश है कि प्लीज वो मत करिए। आपने देखा है कि स्टैम्प ड्यूटी कम करने से उल्टा रेवेन्यू बढ़ा है, जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ा है, स्टैम्प ड्यूटी का रेवेन्यू बढ़ा है, उसी को मत कंटिन्यू करते समय करते हुए आप स्टैम्प ड्यूटी का रेट्स हो सके तो और थोड़ा कम करिए ताकि बिजनेस फले। बिजनेस फलता है तो सभी को उसका फ्रूट मिलता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।